इस यात्रा में आपको लेके आए हैं पून सिद्ध क्षेत्र पर, और ये 52 गज से ज्यादा दूर नहीं है, और हम लोग अपनी सिद्धवरपुर के बाद यहाँ पर आए हैं प्रमोकार धाम के बाद। देखिए कितना सुंदर विशाल मंदिर है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना दिन के समय में इतना विशाल अनुपम सौंदर्य है, कितना विशाल यहाँ पर मान स्तंभ है। आप देखिए ये मान स्तंभ कितना सुंदर है। उसके बाद ये यहाँ पर हाथियों की रचना है, और यहाँ का इतिहास है कि यहाँ का राजा था तो उसने 100 जिन मंदिरों के बनवाने का संकल्प लिया था, लेकिन वो केवल 99 मंदिरों का निर्माण करा पाया, एक कम रह गए थे, तो इसलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम ऊन ही पड़ गया। ऊन जैसे कि एक चीज एक संख्या कम रह जाए तो उसे ऊन बोलते हैं कम को, तो इसलिए क्षेत्र का नाम ऊन है। हमारे यहाँ के मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, तो इन्होंने बताया कि यहाँ से 4 मुनि मोक्ष गए हैं। क्या नाम है चार मुनियों का? नीलभद्र, गुणभद्र और मणिभद्र। ये 4 मुनियों की ये सिद्ध भूमि है, यहाँ से मोक्ष गए हैं। ये सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। शांतिनाथ, तुंतुनाथ, आर्यनाथ भगवान की एक ही पत्थर में तीनों मूर्ति। अच्छा, एक ही पत्थर में तीनों? हाँ, तीनों मूर्ति एक ही पत्थर। आई अंदर से दर्शन। हमारे साथ शांतिलाल यादव जी हैं, और ये थोड़ा मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे संक्षेप में। बताइए, यहाँ पे ये शांतिनाथ, तुंतुनाथ, आर्यनाथ भगवान की 800 साल पुरानी मूर्तियां हैं, एक ही पत्थर में तीनों मूर्ति है। और यहाँ से 4 मुनि मोक्ष गए हैं, सोनभद्र, नीलभद्र, गुणभद्र और मणिभद्र। उनके चरण जमीन से निकले हुए हैं। अच्छा, दोनों। और ये शंभोनाथ भगवान की मूर्ति है, वो भी जमीन से। तो ये वज्र लिप्ट कराया गया? हाँ, लिप्ट कब कराया? कब कराया? ये नवंबर में हुआ था, दिसंबर में इनका पंच कल्याण हुआ था। कौन से महाराज के शासन में हुआ? वर्धमान सागर। वर्धमान सागर, हाँ। प्राचीन मूर्ति दिखाई दी? ये 800 साल पुरानी मूर्ति है शंभोनाथ भगवान की, ये भी जमीन से निकली हुई है, ये भी जमीन से निकली हुई मूर्ति है। नीचे धर्मशाला में